बस जाते हैं इस शहर से दिल लगा के बस जाते हैं हे हे लाख लाख रोज आके बस जाते हैं इस शहर से दिल लगा के बस जाते हैं सोने की राहों में सोने को जगह नहीं। हम कहते हैं कि मुंबई जैसे मुंबई जो शहर है वो लाइटों का शहर है और फिल्मों का शहर है, लेकिन अगर वास्तविकता को अगर आप देखेंगे तो इसमें आप ये मालूम पड़ेगा कि मुंबई में आज करीबन 60% जो जनता है वो झोपड़पट्टियों में रहती है, तो ये वास्तविकता बहुत ही अलग है। मेरा नाम देसीला है, मैं 18 साल की हूँ। मैं बस्ती वीडियो निर्माता हूँ, मैं बस्ती की समस्या के ऊपर काम करती हूँ। आज की मीडिया और हमारे मीडिया में यह फर्क है कि आज की मीडिया जो है वो बड़े बड़े लोगों को सवाल लेके आती है, लेकिन हमारी मीडिया है जो बस्तियों के सवाल लाएगी, बस्तियों के ऊपर काम करेगी। हमारा यह मकसद है कि लोग सक्षम हो सके और उनको मालूम पड़े अपना अधिकार क्या है। बस्ती वीडियो केंद्र यानी CVU का मुख्य मकसद यही है, बस्ती के लोग जो है वो सक्षम हो उनके अधिकारों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है उस मैगजीन में देकर और लोगों को सक्षम किया जा सकता है, ताकि लोग खुद बस्तियों के सवाल आगे लाए और खुद खत्म करने के लिए आगे आए। मनोज जाधव, आप बस्ती से हैं? हाँ। आप टीवी देखते हैं? हाँ टीवी देखते हैं। टीवी पे कौन सा चैनल देखते हैं? सब आज तक, स्टार न्यूज, जी न्यूज। आज की मीडिया और हमारी मीडिया में क्या फर्क है? आज की मीडिया और हमारी मीडिया में फ़र्क ये है कि आप जैसे लोकल लेवल पे आके काम करते हैं वैसा स्टार न्यूज, जी न्यूज या फिर कोई आज तक है वो कॉमन पीपल में आके काम नहीं करती है, यहाँ पे आके शूट्स नहीं करती है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या इश्यूज़ है, उसका वो लोग कुछ मायने नहीं रखते। वो लोग सिर्फ बड़े लेवल पर काम करते रहते हैं, यहाँ पर वो लोग कुछ मतलब यहाँ पर कभी आज तक तो हम लोग ने नहीं देखा कि आके कुछ काम किया है वहाँ वो लोग ने। यहाँ पर शुरुआत से ही जब मैं था काफ़ी सोशल इशूज़ में इंटरेस्टेड था और मैंने अलग अलग कामों में भाग लिया है, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग मुद्दों में हिस्सा लेना, अलग अलग सामाजिक कामों में हिस्सा लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई का मकसद सिर्फ अपने खुद के फ़ायदे के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि उसका फ़ायदा जो है पूरी कम्युनिटी को मिलना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। लिखा है, मैं घाटकोपर में रहती हूँ और मैं 18 साल की हूँ। मैं इसके लिए इसमें शामिल हुई क्योंकि हमारे जैसे लोगों को पहली बात तो इसमें नौकरी नहीं मिलती, लोग पढ़े से पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो भी इस काम के लिए तरसते हैं, और दूसरी बात ये कि हमारी बस्ती के लिए कोई काम नहीं करता है। लोग जो है वो अमीर लोग हैं, अमीर लोगों के लिए काम करते हैं, बस्ती में कोई पूछने के लिए आता नहीं है, तो इसमें बस्ती में के लोग हैं हम पूछने जाते हैं, इसके लिए मैं इसमें शामिल हुई। लोग आज मुझे न्यूज़ रिपोर्टर की तरह देखते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब भी मैं मेरी बस्ती की समस्याओं के ऊपर मैं काम करती हूँ, मेरी समस्या के ऊपर मैं, तो लोग जिस तरह से आते हैं, लोगों को मतलब लोग कैमरे में देखने के लिए कितने उत्सुक एक्साइट रहते हैं, तो वो लोग का एक्साइट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि ज़ुलेखा ने इतनी दुख मुसीबत के बाद इतनी अच्छी जगह पर गई है। इम्पोर्टेंट है कि ज़ुलेखा ने दुख देखा तो वो समझ सकती है कि दूसरों का दुख क्या है, वो अच्छी तरह से समझ सकती है, अच्छी तरह केयर कर सकती है, दूसरों के दुख को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकती है इस दुनिया के आगे। मुझे तो आगे चल के एक वन गुड न्यूज़ रिपोर्टर कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है वो बनना है। हमारी आवाज, हमारी आवाज, बस जाते हैं इस शहर से दिल लगा के बस जाते हैं।